कानपुर के नौबस्ता में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि यहां सप्ताह भर के अंदर लूट की 3 वारदातों से लोगों में दहशत है, जबकि पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। वहीं इस मामले में स्थानीय पार्षद का कहना है कि बढ़ती लूट की घटनाओं के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं महिलाएं डर की वजह से बाहर नहीं जा रही हैं। मैं अपने घर पे था तो मुझको फ़ोन पर सूचना मिली कि बच्चे पीछे सैलून की इनकी दुकान है, चाय लेने के लिए जा रहे थे तो मोबाइल लिए हुए थे। पहले उन्होंने मोबाइल छीना तो पहले उन्होंने देने की सीधा उठी हुई तो नहीं देना चाह रहे थे, कट्टा लगा दिया उन्होंने, दूसरा मोबाइल दे दिया। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या कारण है कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है? हमें लगता है कि पुलिस की निष्ठा है, मतलब पुलिस इस समय इतना घूमने के बाद भी अगर ऐसे कांड हो रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। अब बहुत हमारे घर के मेरे बहन बहनें और घर से औरतें निकलने में अब डर रही हैं, ये स्थिति आ गई है मेरे वार्ड में। सर, हमारे पास यहाँ चौराहे पे हम इधर जा रहे थे चाय लेने और इधर से बाइक से आए दो लोग और हाथ में मोबाइल थे, मोबाइल पकड़े और तमंचा दिखा के मतलब भाग। अच्छा, उनके हाथ में तमंचा था? जी, तो उन्होंने दिखाया? हाँ, उन्होंने दिखाया। क्या क्या लूटा है? मोबाइल। के ब्लॉक ये जो चौराहा है इससे जस्ट 50 मीटर आगे बढ़े हैं तो इनके कहने के अनुसार दो लोग आए हैं बाइक से, अपाचे बाइक, वाइट अपाचे बाइक से, और इनको ये हाथ में जो मोबाइल लिए थे इनको जो है तमंचा दिखाकर वो लूट लिया। जो अलग अलग घटनाएं हैं उसमें टीम, हम लोग अलग अलग टीमें बनाकर जो है इस थाना क्षेत्र के अलावा और थाना क्षेत्रों से भी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके अपने साउथ के जो SOG है प्लस जो क्राइम ब्रांच है उनकी टीमें लगी हुई हैं अलग अलग घटनाओं में, और कुछ लीड्स हैं जिन पर काम कर रहे हैं। जल्दी ही अनावरण होगा घटनाओं का, मुलजिमी पकड़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews.